दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सहारा रिफंड पोर्टल के विषय में। आपने अगर सहारा इंडिया रिफंड के लिए अप्लाई किया था तो आप क्या हो सकता है आपको पैसा मिला हो, क्योंकि सरकार ने सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल स्टार्ट किया था। जितने भी सहारा इंडिया के निवेशक थे उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर आवेदन करना था। अगर आपका भी पैसा फंसा था तो आपको भी आवेदन करना था। अगर आपने आवेदन कर दिया था तो आपको पैसा हो सकता मिला हो। लेकिन अभी मैं आपको कुछ अपडेट, कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ कि क्या सहारा इंडिया पैसा देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। क्योंकि अभी जो 4 अगस्त 2023 को अमित शाह जी ने मात्र 112 लोगों को 10,000 रुपए की किस्त ट्रांसफर की। जैसा कि आपने सुना होगा कि सारा इंडिया का पैसा रिफंड होना स्टार्ट हो चुका है। लोगों ने पोर्टल पर लगभग 19 लाख लोगों ने आवेदन किए, जबकि 1 करोड़ से अधिक लोगों के यहाँ पर पैसे फंसे हुए हैं पूरी सारा इंडिया परिवार में। और लेकिन आवेदन अभी जल्दी पोर्टल स्टार्ट हुआ है 17 जुलाई को और लगभग 19 लाख लोगों ने यहाँ पर आवेदन भी किए। लेकिन 4 अगस्त 2023 को आनंद फानंद ने सरकार ने सिर्फ 112 लोगों को ही 10,000 रुपये की पहली किस्त भेजी। क्या कारण रहा क्या नहीं रहा पता नहीं, लेकिन बहुत से मन में लोगों के ये सवाल है क्या सारा इंडिया का केवल 10,000 ही पैसा मिलेगा या पूरा मिलेगा। तो पूरा अपडेट आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को आप पहले से ही लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पूरा आप देखिएगा, इससे आपको सारी डिटेल पता चल जाए कि सहारा आपको पैसा देना भी चाहता है नहीं देना चाहता। आपको पता होगा अभी तो बहुत दिनों से केस चल रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सहारा इंडिया का पैसा रिफंड किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के कहने से सेबी ने सीआरसी को 5,000 करोड़ रुपए दिए। जबकि अगर बात करें तो लगभग 1 करोड़ लोगों का पैसा फंसा है, किसी का 10,000, किसी का 20,000, किसी के लाख, किसी का 50 लाख रुपए, बहुत ज़्यादा पैसा लोगों के फंसे हैं। तो मात्र 5,000 करोड़ रुपए दिए गए, हालांकि सरकार अगर चाहती तो 5,000 करोड़ में भी से काफ़ी लोगों को पैसा दे सकती थी, लेकिन सरकार ने मात्र 112 लोगों को 4 अगस्त को पैसा ट्रांसफ़र किया। तो अब बात आती है क्या पूरा पैसा मिलेगा, तो पूरे की तो बात अभी आप बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि जिन लोगों ने 1 करोड़ लोगों को अगर 10,000 रुपए भी अगर सरकार देगी तब भी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। तो अभी मात्र 114 लोगों को पैसा दिया गया है, तो अगर 10,000 रुपए भी मिनिमम अमाउंट अगर दिया जाएगा तब इतनी रकम की आवश्यकता होगी। लेकिन इतनी रकम सेबी ने सीआरसी को ट्रांसफ़र भी नहीं की है, टोटल 5,000 करोड़ ट्रांसफ़र किया गया है, जबकि मात्र केवल 10,000 रुपए देने के लिए सहारा के पास 10,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। तो अभी 10,000 रुपए ही मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। पूरा पैसा मिलने के लिए आपको इंतजार करना होगा, सरकार क्या करती है, क्या इस पर एक्शन लेती है, सुप्रीम कोर्ट को फिर से आदेश करना होगा, क्या होगा, इसका कोई अपडेट नहीं आया है। हालांकि काफ़ी लोग सहारा इंडिया से केस लड़ रहे हैं और समय आने पर हो सकता है सहारा इंडिया का पैसा मिले, बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता कि सहारा इंडिया में रजिस्ट्रेशन अगर हो रहे हैं तो आपको पैसा मिल ही जाएगा। लगभग 19 लाख लोगों ने जब आवेदन किया तब भी लोगों को पैसा नहीं मिला, केवल 112 लोगों को पैसा, ये एक मजाक के तौर पर ही आप देख सकते हैं। तो सारा इंडिया में अगर आपका भी पैसा फंसा है तो आप हमारे चैनल पर अपडेट लगातार पाते रहिएगा, मैं अपडेट लगातार देता रहता हूँ क्या चल रहा है सारा इंडिया में और पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आपको इसके लिए हमारे चैनल से जुड़ जाना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आपने अभी तक सहारा इंडिया में आवेदन नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है आपने पैसे पाने के लिए, तो आप आवेदन जरूर कर दें, क्योंकि इससे सरकार के पास डाटा पहुंच जाएगा कि आपका भी सहारा इंडिया में पैसा फंसा है। तो सरकार अगर कोई भी नीति बनाती है, कोई भी पॉलिसी लाती है, तो आपका डेटा सरकार के पास होगा तो आप भी उसमें शामिल होंगे। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना तो बहुत ही अनिवार्य है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका 20,000 रुपये फंसा है और वो नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि मुझे 10,000 रुपये लेकर क्या करना है, लेकिन फिर भी आपको आवेदन करना कर देना चाहिए कि शायद भविष्य में कभी पैसा मिल जाए। और एक बात और, बहुत से लोगों के मन में डाउट है, किसी ने सहारा इंडिया में सपोज 5 पॉलिसी खोल रखी थी, तो वो कमेंट करके हमसे एक बंदे पूछ रहे थे कि ये पांचों के अलग अलग रजिस्ट्रेशन होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। पांचों बॉन्ड जो आपको मिले होंगे वो उनकी डिटेल वो सारे आपको अपलोड करने होते हैं सहारा पोर्टल पर जाकर, जो अभी नया सीआरसी के द्वारा पोर्टल स्टार्ट किया गया है। तो अभी तक बहुत दिनों से सुप्रीम कोर्ट में केस चला, सेबी सीआरसी इन सभी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, लेकिन ये गुत्थी नहीं सुलझी। अभी सरकार ने इस पर एक्शन लिया तो उम्मीद लोगों की जगी कि सहारा का पैसा मिलेगा, बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि सरकार या सहारा इंडिया पैसा देना चाहते हैं। ये आने वाले वक्त ही बताएगा कि आपका पैसा मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है। तो पूरा अपडेट न्यूज़ आपको जानने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।